go right. कान घुमा लिए नो कान कान की घुमा ले क्या है कान ही नो नहीं मिल रहा कहाँ घुमा लिए जी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का जिंदगी के खट्टे मीठे सफर के न्यू व्लॉग में। तो गाइस हम लोग आ गए नया व्लॉग लेकर, तो बहुत दिन के बाद हम लोग व्लॉग बना रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो बहुत दिन से हमने व्लॉग नहीं बनाया था, तो गाइस आज हम बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुआ कीजिए हम रोज अपडेट रहे और रोज व्लॉग बनाए। तो आज का व्लॉग क्या है पता नहीं, चलते चलते देखेंगे। पर आज के व्लॉग में थोड़ा बहुत मतलब हंसी मजाक तो होगा ही, मस्ती मजाक तो होगा ही। तो मिलते हैं आगे के पूरे व्लॉग में चलते हुए। तो वैसे गाइस मैंने मतलब इस गर्मी में थोड़ा बहुत अपने रूम में चेंज किया है, क्योंकि हमारे घर में बहुत मतलब गर्मी बहुत हो रही है, धूप बहुत है। तो धूप एकदम हमारे ढाबे पे ही मारती है, क्योंकि ढाबे के ऊपर हमारे फर्स्ट फ्लोर पे हमारे मतलब घर वगैरह बने हुआ नहीं है। तो हम लोग को धूप बहुत है हो रही है, गर्मी भी बहुत हो रही है धूप मारने की वजह से। तो हम लोग ने थोड़ा सा हमारे रूम में चेंज किया है और हमारा रूम थोड़ा बहुत अच्छा भी लग रहा है चेंज करने का। देखिए आपसे मैं बताती हूँ। तो ये हमारे कमरे का न्यू मेकओवर जो बस थोड़े ही दिन रहने वाला है गाइस, क्योंकि वहाँ है विंडो जिसकी वजह से हम लोग को बहुत हवा आने वाली है और हमारा रूम बहुत अच्छा भी लग रहा है गाइस। तो ये क्या है मतलब ये हम लोग जो रात में रोज यूज करते हैं ना हम लोग के ब्लैंकेट्स वगैरह वो है। दरअसल हम लोग वो रूम में रखते हैं सब कुछ जो मतलब हम लोग हल्का हल्का यूज करते हैं हम लोग वो रूम में रखते हैं। तो ये अभी वो रूम में हमारे सारे मतलब बादाम और बादाम के बच्चे रहते हैं वो रूम में। तो कैट्स रहने की वजह से हम लोग ने सोचा अभी ये यहाँ रख लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना गाइस, और यहाँ से है ना बहुत सारी मतलब अच्छी सी सनलाइट भी आ रही है। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, ये देखिए। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये देखिए गाइस इतनी अच्छी सनलाइट मार रही है यहाँ से, है ना। तो हमें रूम ऐसा लग रहा है चेंज करने के बाद। तो कमेंट करके जरूर बताना गाइस हमारा थोड़ा मतलब छोटा मोटा मेकओवर कैसा लगा, क्योंकि हम लोग इसे हमेशा नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि जब पानी पड़ता है ना तो पानी भी वहां से आता है। अभी हवा भी आ रही है, जब पानी भी आएगा, अब हवा आ रही है जब पानी भी आएगा। तो अभी हम लोग इसको थोड़े ही दिन रखने वाले हैं, जब तक गर्मियां हैं तब तक रखेंगे, फिर उसके बाद चेंज कर देंगे। तो प्लीज हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा इस और आगे की वीडियो हमें जरूर देखिए, और हमें कमेंट एंड लाइक से हमारा दिल खुश कर दीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे वीडियोस को, कमेंट करना मत भूलिएगा इस। चले मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। A few moments later. तुम इतने अच्छा बैठ के थे मेरे साथ, तो बोल बैठना। तुम दोनों सीधे से बैठे थे क्या सीधे से बैठ रहे जी वो? क्या है ये? गद्दी को। गद्दी है वो। अच्छा हटो जी, इंडियन जुगाड़ कर रहे हैं ना। इंडियन जुगाड़ नहीं, बेडशीट आज काम है लेके, चार साल और आनंद पैदा भी न हुए थे जब लिए थे ये बेडशीट। अच्छा जब ये ऑफर में आई थी तो ले लिए थे, आज काम नहीं कर रहा ये बेडशीट से। आज काम आ रही है, कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती गई, कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती गई, पूरे घर में हमारे इंजन जुगाड़ चल रहा है पूरे जा रहा। ये दो जुगाड़ आए, मैं एक जुगाड़ हूँ। तो वो किसकी है गद्दी? अम्मी की। और ये हमारी गद्दी सी रही है, बोला गद्दी 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 सी रहे हैं, और हम यहाँ पे गद्दी सी रहे हैं। इंग्लिश में गद्दी को क्या बोलते हैं? गद्दी गद्दी नहीं बोलते, गद्दी नहीं बोलते, गद्दी 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 क्या है? सो गाइस इतने दिन बाद हमारा वीडियो आ रहा है, क्योंकि तुम जलते हो असल में, स्मार्ट हूँ बोल के क्या बोल रहे पब्लिक देखेंगे ना क्या बताओ।
नहीं चीटिंग नहीं करना, बच्चे बोल के नहीं बोलना। गोवा क्या बोलते सीधा बोलो जी, इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में क्या बोलते थे? पापा को पिता को पापा ही बोलते, पिता को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बोलो इंग्लिश में क्या बोलते गोरे को? हॉर्स। तुम क्या बोलते जी घोड़े को इंग्लिश में? गधा बोलते क्या हो तुम? घोड़ा। मैं घोड़ा क्या गधी नहीं जी, ये हत्ती। हत्ती से जंगल चला गए क्या? पत्नी तुम क्या बोलते जी? हाँ जंगल बनता था, कई गुना बनता था, कई गुना बनता था, बनाया जंगल। क्या बोल के पहाड़ फोड़ के, पहाड़ फोड़ के हाथी जंगल बनाया, झाड़ा कौन लगाया हमारे बाप? झाड़ा कौन लगाया बेटे? पप्पा। अब क्या बोलते? अब क्या बोलते? बाहर भी चला रहा होगा। हमारे बाप ने लगाना। मामा को किसला तो नहीं लगाना। मामा को भी नहीं लगाना। तो चलो चाय बनाएंगे अपन। गाइस चाय बना रहे हैं। क्या आवाज है तुम मेरे को क्या इतना बोले तुम? गेंगे 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 कल से इनके आंख पे टेंगे टेंगे आ गया गाइस। अरे टेंगे 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 कर रहे। क्या मिला आप लोगों को गिफ्ट? आनम को ड्रैगन मिला और अलीजा को बंदर। आओ बंदर है गाइस ये, इनको बैट बॉल पुंगड़ी टैकी मिली। क्या तो भी कर रही थी अभी वहाँ है वह अभी थोड़ा सा बाकी है। कहाँ है कान तुम्हारा? यहाँ पर है। नहीं दिख रहा मेरे को। कान कहाँ है? हटो इधर हटो तो बताओ मेरे को सीधा किधर है कान? अरे इनका कान घूम गया जी, कान नहीं बोल रहा इनका अनम का। कान घुमा लिए नो कान, कान की घुमा ले क्या कान इन नहीं मिल रहा। कहाँ घुमा लिए जी? कहाँ है फिर? प्रैंक कहीं को करते तुम्हारे साथ, दिख रहा है इतने तो कान। कान लगाओ जी मेरी बच्ची का, कान लगाओ। लगाए लगाए बच्ची का कान जी मेरी। अरे लग गया रो कान। ओहो कहाँ से लगाए? कहाँ रखे थे? फ्रिज पे रख दिए थे। अच्छा फ्रिज पे रख दिए थे कान तुम्हारा? तो गाइस जन्म का कान मिल गया, फ्रिज के ऊपर रख दिए थे कान लेके जाके। शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत दुआ करने के लिए अनम के लिए। कहाँ बताओ बेटे कान? हाँ देखो ये रहा कान अनम का। कहाँ था बोलना? फ्रिज के ऊपर था। गाइस को थैंक यू बोलो। तो ये रही हमारी गद्दी जो माइक ने सी दी। इसका इन्वेंशन देखो कैसा है, कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग? अच्छा है बेटा नरम है गद्दी दद्दी की। हाँ हाँ लोटा उधर को इधर को गोल गोल फिरो। अम्मा फंस गया। अम्मा कौन सी गाय जी तुम्हारी बंदर का माँ दिमाग। A few moments later हम लोग बाहर निकल चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं अम्मी के फैब्रिक्स लाने के लिए। दरअसल हम लोग मतलब बहुत दूर जाकर फैब्रिक्स लाते हैं क्योंकि वहाँ हम लोग को मतलब अलग फैब्रिक्स मिलते हैं, यहाँ अलग फैब्रिक्स।
खाना बहुत अलग है, इसलिए हम हमेशा जहाँ से लाते हैं वहीं पे जाकर हमारे अम्मी के रैबिट्स लेकर आते हैं। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं अभी, तो वहाँ जाकर देखेंगे। रश बोलूँगी यहाँ पर बहुत रश है और आवाज़ नहीं आएगी मेरी आपको। सो गाइस, हमने टैबलेट्स ले ली है। ले लिए शब्बीर? क्या लिए? बीपी शुगर। किसका? तुम्हारा? शब्बीर को बीपी शुगर है गाइस। शब्बीर बीपी शुगर वाले इंसान है, इनको बीपी बढ़ा देना, काम ही कर दे, छोड़ देना बीपी। हम लोग घर आ गए और हम लोग अभी व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो ये देखिए शब्बीर का न्यू लुक, शब्बीर ने बना लिए पोनीटेल जो उनके हेयर स्टाइल से सेट हो रही है। तो बच्चे अभी खेल रहे हैं बादाम के, अभी हम लोग उसको खोले और खाना देने के लिए खोले थे, तो खाना वो खा लिया और खेलने लगे है। तो कैसे लगा इनका नया लुक जुट्टू मलिका? हमारा जुट्टू मलिका को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू वीडियो के साथ, न्यू ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। जय जी।